तुम्हारा भी क्या हाल कर दिया है वैसे। नहीं कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम्हें उलझन नहीं होती इन कपड़ों में, क्या वाकई इन्होंने इतना मजबूर कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो इन कपड़ों में बहुत इजी फील करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि ईस्टर्न कपड़े इतने इजी होते हैं पहनने के लिए। बाकी तुम्हारी तो बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी मजबूरी क्या है, मैंने क्यों पहने ये कपड़े। ये तो तुम्हें पता होगा, कह रही थी अभी जो भी कहा उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम आहिस्ता बोल रहे आप, थोड़ा सा आहिस्ता बोलूं मैं? बात कैसे करनी है अब तुम मुझे सिखाओगे? इतनी औकात है तुम्हारी? हाँ नहीं, नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था तुम। अमल रुको, रोको ना इसे, क्या कहा है तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा कसम से अम्मी। देखो बेटा, हमजा की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते, अच्छा नहीं लगता, सब लोग देख रहे हैं ना। अगर देख रहा है तो देखता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिसन, अच्छा लिसन, सॉरी ना, माफ कर दो, आ जाए नीचे, आ जाए प्लीज सर, प्लीज आ जाओ। इस लड़की ने तो इसकी सारी अकड़ निकाल दी है। जो बोया है वही काट रहे हैं। अब नहीं किया हुआ फैसला है, अब देखते हैं कब तक निभाएंगे इस रिश्ते को। हमजा तुम कमरे में जाओ, हम तुम्हारा खाना वहीं भिजवाते हैं। आप लोग भी आ जाइए, खाना लग गया। अमन प्लीज बाप को मत पढ़ाइए, स्टॉप कॉलिंग प्लीज प्लीज प्लीज। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर इस घर में आ गई हूं तो तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम मुझे वो कहोगे? लिसन, मैंने आपको बहुत बार मना किया था यहां आने से, आप जिद कर रही थी, रिमेंबर?
हाँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ लोगों को उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए आई हूँ। बहुत गुरूर है ना उन्हें अपने खास होने पर, खासकर वो तुम्हारी ओल्ड लेडी। लेकिन वो मुझे जानती नहीं है कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ। अमल हूँ मैं। अरे जान, कम ऑन, आप मामूली नहीं हैं। हो सकता, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, आप खास हैं, आप स्पेशल हैं, इसीलिए मैंने आपसे शादी की। ओके लिसन, लेट्स गो ईट समथिंग। हम बिना खाए अंदर क्या सोच रहे होंगे सब? Who cares? यही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब हमें हसरत से देखें, रश की निगाह से। What? कौन? अबेर? काफी दिलचस्पी है तुम्हारी। छे उसमें दिलचस्पी नहीं है। अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मैं शादी से एक रात पहले उसको छोड़ के क्यों भागता? क्या पता, not again please। काफी तैयार होकर आई हो। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। एक्चुअली रिश्ते ही दो हैं। एक तो मेरे देवर की शादी और फिर मेरे कजन भी। मैंने सोचा कि दोबारा इसे तैयार होने का मौका कब मिलेगा, तो अच्छे से तैयार होकर जाते हैं।